आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। सिटी बस परिचालक की मौत के बाद विभाग में दहशत का माहौल पैदा हो गया है। चालक परिचालकों के साथ टीआई और ऑफिस में सभी कर्मचारियों ने आना बंद कर दिया है। अधिकारियों के बुलाने पर कुछ चालक परिचालक आने पर बसों का संचालन कर रहे हैं। सिटी बस परिचालक की मौत के बाद विभाग में दहशत का माहौल पैदा हो गया है। चालक परिचालकों के साथ चेकिंग दस्ते और ऑफिस में कर्मचारियों ने आना बंद कर दिया है। अधिकारियों के बुलाने पर आए कुछ चालक परिचालकों से बसों का संचालन कराया जा रहा है। सिटी बस प्रभारी राम खिलाड़ी का कहना है कि सोमवार को 11 बसों का संचालन किया गया। यहाँ का कर्मचारी चालक परिचालक एवं अन्य स्टाफ बहुत ही डरा हुआ है और ड्यूटी पर नहीं आ रहे हैं। एयरपोर्ट की बस भी आज नहीं गई क्योंकि फ्लाइट को आगरा नहीं आना था और मात्र 11 बसों का संचालन आज दिनांक 3/5/21 को 15 बजे तक हुआ है। चालक परिचालक एवं स्टाफ इतने डरे हुए हैं क्योंकि दिनांक 1/5/21 को मेरे एक परिचालक श्री उमेश गुप्ता का निधन कोविड-19 के तहत हुआ। रविवार को 4 सिटी बसों का संचालन हुआ था जबकि सोमवार को चालक परिचालकों को बुलाकर 11 बसों का संचालन कराया गया। इसमें 3 एमजी रोड, 3 फतेहपुर सीकरी, 2 टूंडला, 2 खेरा। कोरोना महामारी से दहशत में आए चालक परिचालक ड्यूटी पर आने को तैयार नहीं हो रहे। अधिकारी फोन मिलाकर बुला रहे हैं लेकिन चालक परिचालक और कर्मचारियों ने मना कर दिया। वे साफ बोल रहे हैं कि नौकरी पर रखना या मत रखना कोरोना काल में ड्यूटी नहीं करेंगे। सभी डिपो के कर्मचारियों को शासन के द्वारा दिए जा रहे समय समय पर गाइडलाइन के अनुरूप ही निर्देशित किया जा रहा है। साथ ही बसों की पूर्ण रूप से सैनिटाइज कर ही मार्ग पर भेजा जा रहा है। यात्रियों को सैनिटाइज करने हेतु एवं मास्क बहुत जरूरी है लगाने हेतु चालक परिचालकों को निर्देशित किया जाता है। बिना मास्क के टिकट ना दें, यात्रा न कराएं और यात्री और स्वयं सुरक्षित रहें, ऐसा निर्देश हमारे स्तर से दिए जा रहे हैं। शासन प्रशासन के निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जा रहा है। बताया गया है कि रूट पर चेकिंग दस्ते के अलावा सीएनजी पर भी कर्मचारी नहीं आ रहे जिससे बस संचालन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सोमवार को एयरपोर्ट पर लाइट नहीं आई, इस वजह से दोनों एसी बसों को भी नहीं भेजा गया। एसी बस के चालक परिचालकों को साधारण बस पर भेजा गया। सिटी बस के परिचालक की मौत के बाद चालक परिचालक और कर्मचारी ही नहीं अधिकारी वर्ग के लोग भी डरे हुए हैं। सी न्यूज के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट।